हालेलुया। आज दिन का समय सुसमाचार क्या है आज हम थोड़ा बहुत सीख है। आज उसका चुनौती के बारे में हम देखेंगे, मिशन चैलेंज का और हम जाएंगे, मिशन चैलेंज उसका चुनौती क्या क्या है आज हम थोड़ा सा देखेंगे। दो तीन वचन जल्दी से जल्दी देकर समाप्त करूँगा। न्यायों का किताब अध्याय 6 का 12 पढ़ेंगे। न्यायों का किताब अध्याय 6 का 12, न्यायों का किताब अध्याय 6 इसके 12वें वचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 300। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, यहोवा का दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अभी मेरे तरफ से ध्यान रखेंगे, ये सब लोग जानते हैं एक इसके बारे में लिखा है, किसके बारे में? गिदोन के बारे में। गिदोन करके व्यक्ति है और उनके बारे में लिखा हुआ। गिदोन के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसराइल का एक व्यक्ति था गिदोन, यरूशलेम का इसराइल का रहने वाला एक इब्राय व्यक्ति था गिदोन, और उसी राज्य का विरोध में मिद्यानी लोग जब खड़े हो गया, मिद्यानी लोग इसराइल को परेशान करने लगा, और उसी समय पर इसराइल का एक व्यक्ति है गिदोन ने, उनको परमेश्वर ने एक बात बोला है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। भजन को भूलना नहीं है, सुसमाचार के बारे में बोल दिया। हम सभी कभी कभी बोलते हैं हम कैसे जाएंगे, क्या पता है मुझे, मुझे तो बाइबल भी पढ़ने नहीं आता, मैं क्या जाके बताओ। इस परमेश्वर ने गिदोन को बोल दिया, हे शूरवीर सुरमा, शूरवीर सुरमा ऐसे कभी बोलते नॉर्मली बोलते नॉर्मली ऐसे नहीं बताया। वचन में यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को बोल दिया, हे शूरवीर सुरमा, क्या बोला है? यहोवा तेरा संग। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे, छठवीं अध्याय 1 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। जोर जोर से पढ़ना। तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यह इसराइल के लोग यहोवा का दृष्टि में बुरा काम किया। इसराइल का जन मतलब यहोवा का अपना खुद जन है, यहोवा का दृष्टि में बुरा काम किया। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक कर दिया। यहोवा ने इसराइल लोगों को 7 वर्ष तक किसके हाथ में दे दिया? इसमें से एक गहराई बताना चाहता हूँ, हम लोग परमेश्वर का खुद लोग अपने आप को परमेश्वर का दृष्टि में कुछ बुरा काम करेगा तो हो सकता है हमें परमेश्वर ने दूसरे हमारे शत्रु के हाथ में शायद दे दे। पुराने नियम पढ़ने का समय परमेश्वर का जन अपना अनुसार चलने का समय नहीं, परमेश्वर का विरोध जब चलते हैं तुरंत परमेश्वर ने क्या कर दिया? शत्रु के हाथ में। अभी इसराइल के लोग परमेश्वर का विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर ने क्या कर दिया? मिद्यानियों का हाथ में कितना समय दिया? 7 वर्ष तक। एक दिन में अगर शत्रु के हाथ में हो गया तो खत्म हो गया, और एक दिन हो गया 7 वर्ष तक बहुत परेशान हो गया। आगे बढ़ेंगे। प्रबल हो गया, अभी मिद्यानी लोग इसराइल के ऊपर प्रबल हो गया, क्योंकि बहुत अच्छा एक देश है मिद्यान का, जो लोग है वो इसराइल के ऊपर प्रबल हो गया। आगे बढ़ेंगे। डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ के गहरे गड्ढों। हाँ, कौन बात कर रहा है बीच में? कोई बच्चे लोग कौन बात कर रहा? प्रिंस। हाँ, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। अभी इसराइलियों का कहाँ पर है? गड्ढों में, गुफाओं में। क्योंकि कारण क्या है? मिद्यानी लोग इनके ऊपर प्रबल हो गया, इसलिए उनका डर के मारे कहीं गुफा में कहीं गड्ढे में। आगे। जब जब इसराइली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके। अभी इसराइलियों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए, उधर सुपर बाजार कुछ नहीं है, बिग बाजार नहीं, वहां जाके लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। जब बीज बोने का समय मिद्यानी लोग आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको ऊपर आकर चढ़ाई करते हैं। अब एक बार सोच कर देखो, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो लोग प्रबल लोग है, प्रबल है मिद्यानी लोग। इसराइल के लोग जाके चुप चुप कर जाके कुछ बीज बोएंगे, सोचेंगे कुछ समय के बाद कुछ काट के खाएंगे। मिद्यान लोग आकर सब कुछ के ऊपर चढ़ाई करते हैं। आगे। अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। भूमि को उपज नष्ट कर डालते थे। और इसराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, इसराइलियों के लिए कोई भोजन वस्तु नहीं है, खाना नहीं है, और ना भेड़ बकरी, कोई भेड़ बकरी नहीं है, और ना गाय बैल, कुछ नहीं। और ना गधा छोड़ते थे। कुछ भी नहीं है। अगर जो कुछ है मिद्यान लोग आकर कब्जा करके लेके जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। प्रिंस आराम से बैठो उधर। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी
अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे और मिद्यानियों के कारण इसराइली बहुत मिद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इसराइल के लोग यहोवा को दोहाई थी। ये सब कुछ हम जानते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इसराइलियों के पास एक नबी भेजा। सबसे पहले यहोवा ने किसके पास भेजा नबियों को? इसराइलियों के पास एक नबी को। नबी का मतलब कौन है? भविष्यवाणी बोला, एक नबी को भेज दिया, दूत को भेज दिया। जिसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल कर ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया और मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, उनके देवता को तो भय नहीं मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। कारण क्या है? अभी दुर्दशा में आने का कारण क्या है? परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर की बातों को माना नहीं, नहीं माना, नहीं माना, नहीं है, वो गलत काम किया। क्या रवि वचन? फिर यहोवा का दूत आकर पांच वृक्ष के तले बैठ गया। अभी कहां पर आ गया? पांच वृक्ष के तले पर बैठ गया। कौन आ गया? दूसरे को दूध आकर वहीं पर बैठ गया जो ओपरा में। अभी ये जेरी यहोवाश का, ये किसका था? ये पांच वृक्ष का वो जगह किसका था? अभी ये जेरी यहोवाश, यहोवाश करके व्यक्ति का था उस जगह पर। और उसका पुत्र गिदोन एक दागरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। मिद्यानियों से छिपा रखने के लिए वहीं पर छुप 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 छाकर क्या करेंगे? वहीं पर गेहूं झाड़ आगे। उसको यहोवा के दूत, उसी समय यहोवा का स्वर्गदूत आकर एक दर्शन से इसे कहा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग। अभी मेरे तरफ से ध्यान रखेंगे, इतने का समझ में आ गया? समझ में आ गया। मिद्यानियों के हाथ में इसराइलियों को प्रबल हो गया और सब लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कुछ भी अगर बीज भी बोते हैं और मिद्यान लोगों का सब कुछ खराब करते हैं। उस समय अभी गिदोन ने डर कर चुप कर करने का मतलब क्या होता है? डर के होता है ना। अगर कोई काम अगर किसी को नहीं देगा, छिपा के करेगा, तो उसका मतलब किसी से हम डरते हैं। अभी गिदोन डर कर क्या करते हैं? उधर काम करते हैं। अभी उसी डरने वाला गिदोन को परमेश्वर ने क्या बोला है? हे सूरवीर सुरमा। आपको कैसे लग रहा है? डरने वाले का बोलते हैं सूरवीर। अब डर का घर का कोई कोने में बैठा, हम बोलते हैं अरे सूरवीर सुरमा, ऐसे बोलते हैं नहीं। इसका कारण क्या होगा? अभी आप बताने कारण क्या होगा। क्योंकि गिदोन लोगों को डर कर, मिद्यान लोगों को डर कर चुपचाप डर कर काम करते, और आके बोले तुम सूरवीर है। बोलो, बाकी लोग काम नहीं करते, एक केवल एक ही करते। ये भी एक कारण है, और ये भी एक कारण है, ये भी सही उत्तर है। बाकी लोग कुछ काम नहीं करते क्योंकि वो लोग डर के बैठे, क्योंकि बीज बोएगा तो खराब करेगा, उसी समय पर काम करते हैं, वो भी एक काम है। दूसरा और कोई बता सकते हैं? हाँ, उनके काम को देखकर, क्योंकि मेहनत करने वाला है, क्योंकि चुपके भी जो भी है कुछ काम करते हैं। हाल लिया। और कोई, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया, डरने वालों को कभी शूरवीर नहीं बोलते। अगर ठंड का समय हम रजाई के अंदर है, कोई काम करने का समय रजाई के अंदर लेट रहे, अभी आपको बोलते हैं अरे बहुत बड़ा महान, ऐसे बोलेगा? हम बोलते तुम आलसी, ऐसे करके बोलते। मगर इधर थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा करने का कारण क्या है? परमेश्वर ने एक बात बोला, गिदोन मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारा संग। हाल लिया। अगर हम अपने आप को देखेगा तो हम शायद डरने वाले, क्योंकि गिदोन ने अपने आप को देखा, उसलिए उनका अंदर डर आ गया। हाल लिया। सच में हम परमेश्वर को देखेगा तो हमारा जिनका डर को हम दूर करेंगे। हाल लिया। आपको समझ में आ गया? ये शूरवीर करके बोलने का एक ही कारण है। हाल लिया। यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को डर को नहीं, गिदोन का साथ एक परमेश्वर है उनको देकर यीशु परमेश्वर ने बोल दिया, हे गिदोन तुम शूरवीर सुरमा। हाल लिया। अगर हम सब लोग अकेला जाएगा तो हम लोग डरने वाले होगा, मगर हमारा साथ खड़े होने वाला एक परमेश्वर है, तो हाल लिया, परमेश्वर भी हमें बोलेंगे शूरवीर सुरमा। हाल लिया। आज दिन का समय बताना चाहता हूँ, सेवकाई के बारे में बताया, सुसमाचार के बारे में बता रहा था, और परमेश्वर हमारे संग है, तो हम लोग शूरवीर सुरमा करके नाम सुनने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। हाल लिया। डरने के लिए नहीं, हाल लिया, क्योंकि हमारा साथ कौन है? हमारा साथ परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाल लिया। हमारा साथ परमेश्वर। हाल लिया। हम जानते, दाऊद का घर पे दाऊद को अभिषेक करने के लिए कौन गया था? शमूएल गया था।
उनका तीन पिता को पूछ लिया, पिता का क्या नाम है, दाऊद का, ईशे के पास जाकर पूछा तुम्हारे बच्चों को बुलाओ आज राजा के, अब तुम्हारा बेटा में से एक बेटा को मैं आज राजा करके अभिषेक करेंगे। पहले वाला आ गया कौन था, एलिया आ गया, एलिया पहले बेटा का नाम क्या है, एलिया। वो आने के बाद शमूएल ने देख लिया दो बहुत लंबा चौड़ा है, शाऊल का आर्मी का, शाऊल का जो क्या बोलते हैं आर्मी का मेंबर है, फौजी है, देख लिया बहुत लंबा चौड़ा है, छाती वगैरह है, छत्तीस क्या छत्तीस नहीं है ना, 56 क्या बोलते हैं छप्पन ऐसा है, देख लिया बोला नहीं ये नहीं है, दूसरे को बुलाओ, दूसरे कौन आ गया, अभिनादाब, मुझे पता है राज को इसका नाम याद, इसलिए मैंने राज को देखे देखे पूछ लिया, दूसरे का बोल दिया अभिनादाब आ गया, अभिनादाब भी शाऊल का राज का, शाऊल का आर्मी का मेंबर है, अभिनादाब आ गया, शाऊल ने देख लिया परमेश्वर का आत्मा शमूएल को बोल दिया नहीं ये भी नहीं राजा, तीसरा आ गया, तीसरा कौन आ गया, शम्मा आ गया, हाँ शम्मा आ गया, देख लिया भी बहुत अच्छा है देखने के लिए, बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा है, वो तलवार वगैरह लेके काटने के लिए मतलब है, बहुत बड़ा है, परमेश्वर का आत्मा शमूएल को बोल दिया नहीं ये भी नहीं, तीन चार पाँच छः आ गया, शमूएल ने तो बोल दिया नहीं, मगर लास्ट में शमूएल ने पूछा और कोई है क्या, तुम्हारा कोई बेटा है क्या, उस समय ईशे ने क्या बोला, हाँ एक है फालतू एक बेकार है, पढ़ने में बहुत क्या बोलते बुद्धि नहीं है, ऐसे हम बोलते ना बेकार है, अब कहाँ गया, ओ मेरे बेट पकड़ी को, अरे उसको भी बुलाओ यार, पापा ने बहुत निराश का सब बोले, देखिए एक बार दिखाएंगे, हो सकता है इनको, खुद मन में भी कुछ नहीं था, एक बात बताना चाहता मैं, पिछले बार भी एक बार प्रचार करने के से बोल दिया, उनका पापा भी उनका नंबर भूल गया, उनका खुद पिता ने दाऊद के बारे में भूल गया, अपने भाई लोग दाऊद के बारे में भूल गया, मगर वो नहीं भूलने वाले एक परमेश्वर, हालेलुया, उसी परमेश्वर ने दाऊद को पकड़ कर क्या कर दिया, राजा बनाया, हालेलुया। आज दिन के समय एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकते हैं हमें जानने वाले लोग, हमें हमारे बारे में याद करने वाले लोग कभी हमें याद नहीं करते होगा, मगर हालेलुया कभी नहीं भूलने वाला एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हालेलुया वो परमेश्वर हमारे संग है तो कोई भी बात हमसे असंभव नहीं है, हालेलुया। तो से बोल हालेलुया। इनका जीवन में दो बात हुआ, गिदोन का जीवन में उन्होंने परमेश्वर को देख लिया, उनके जीवन में कॉन्फिडेंस आ गया, क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश, आत्मविश्वास आ गया, जब परमेश्वर को देख लिया आत्मविश्वास आ गया, समझना परमेश्वर को नहीं देखेगा तो हमें आत्मविश्वास नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किसको देखना पड़ेगा, परमेश्वर को देखना, हालेलुया। दूसरी बात है, परमेश्वर को देखने का समय हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, अहंकार, अहंकार का शब्द मैं इनसे सीखा है, के जी जीवाल जी, इनका प्रचार शुरू शुरुआत में उनका मैसेज वगैरह में सुनते थे, बोलते अहंकार, मलयालम में भी अहंकार बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं था अहंकार, हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, परमेश्वर को देखने के समय अहंकार खत्म हो जाता है, परमेश्वर को नहीं देखेंगे तो हम सोचेंगे हम तो थोड़ा महान है, बड़ा है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, अगर परमेश्वर को देखने के समय हमारा अहंकार खत्म, दो ही बात है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने के लिए परमेश्वर को देखना, हमारा अहंकार खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम परमेश्वर को देखने, यीशु मसीह ने एक बार चेलों से एक बात कहा, मैं मुझे छोड़कर तुम कुछ भी कर नहीं सकते, आपको याद है क्या कौन सा भजन, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, भजन में लिखा यीशु मसीह ने बोला मुझे छोड़कर तुम कुछ भी करना, हमारे मलयालम में एक गाना है और बहुत हमारे बचपन में मैं वगैरह मुझे मैं गाते थे गाना, यीशु मसीह आपको छोड़कर मैं जी नहीं सकते, हालेलुया, यीशु मसीह के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, हालेलुया। मैं आपको बताया हालेलुया, हमारा जीवन में इन दिनों में सुसमाचार सुनाने के लिए जाने का समय, डरने का जरूरत नहीं, परमेश्वर ने गिदोन को डरने वाला गिदोन को परमेश्वर बोल दिया तुम जा हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तुम्हारे संग है, अगर हम जाने के लिए तैयार है परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ आए, कितने विश्वास आते हैं, इसलिए डरने नहीं, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में निर्णय लेना, प्रभु जी मैं जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, हालेलुया। मैंने बताया बिहार में केवल 1% क्रिश्चियनी है, राजस्थान में 0.14 यूपी में 0.18 हरियाणा में 0.2 गुजरात में 0.5 दिल्ली में 0.8 1% भी मसीह को जानने वाले लोग जो मैंने अभी बताया उत्तर भारत का ऐसे स्टेटों में नहीं है। अभी हम देख लो मोबाइल का टावर सब जगह पर पहुंच गया, मोबाइल पर टावर नहीं मिलने वाला बहुत कम जगह होगा, हर जगह पर मोबाइल टावर पहुंच गया, चाहे एयरटेल हो चाहे आइडिया हो, हर जगह पर मोबाइल चलते हैं, हालेलुया, मोबाइल का टावर पहुंचते हैं, हालेलुया। इन दिनों में हम सुसमाचार सुनाने के लिए जब तैयार होना जरूरी है, क्योंकि अनेक लोग, मैंने बताया हमारा इसी हम लोग रहने वाला हमारे दिल्ली में केवल 0.8 1% भी नहीं है और गुजरात में 0.5 हरियाणा में 0.2 यूपी में 0.18 राजस्थान में 0.14 बिहार में 0.12% हालेलुया। कौन जाएगा, जाने के लिए हम जब तैयार हैं, गिदोन को परमेश्वर बोल दिया परमेश्वर तुम्हारे संग है, हालेलुया। आज दिन का समय बताना चाहता हूँ जब हम जाने के लिए तैयार होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अनेक लोग सोचते हैं विदेश राज्य में सब लोग मसीह में, ऐसे सोचते हैं ना,
विदेश राज्य में हम लोग बोलते हैं अमेरिका में सब लोग मसीह में है, कनाडा में सब लोग मसीह में है, इंग्लैंड हम लोग अंग्रेजी लोग सब लोग मसीह। आप लोग जानते क्या, अब मैं एक सच्चाई बात बताना चाहता हूँ, केवल 5% लोग कनाडा में चर्च में जाते हैं, केवल 5% लोग इंग्लैंड में चर्च में जाते हैं। परमेश्वर के बारे में भय नहीं है, परमेश्वर के बारे में लोगों को भय नहीं है। और एक समय पर हम लोग सोचते थे बाहर विदेश में कोई आके करेंगे, हालेलुया। आज दिन का समय पता नहीं चाहता, एक बोझ हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी, हालेलुया। ये लोग सब लोग नरक में जा रहे हैं, ये सब लोग नरक में जा रहे हैं, कौन जाकर सुसमाचार सुनाएंगे, हम जाएंगे, हालेलुया। हम बता रहे प्रभु जी आप मुझे भेजना, मैं जाने के लिए तैयार है। जैसे गिदोन को परमेश्वर बोल दिया हे शूरवीर शूरमा, हालेलुया हालेलुया। पिछले इसके बारे में मैं पढ़ने का समय एक व्यक्ति के बारे में मैंने देखा, एक पढ़ा था टोरस करके एक वैज्ञानिक, उन्होंने बोला है परमेश्वर नहीं करके बोला, वो तारागण के बारे में स्टार के बारे में पढ़ने वाला है। और उन्होंने जब स्टार के बारे में पढ़ लिया, उन्होंने बोले परमेश्वर है नहीं। हर जगह पर हर धर्म का किताब उन्होंने ढूंढने लगा और हर धर्म का ढूंढ कर आखिरी में और उन्होंने बोले परमेश्वर है नहीं, बोलते हैं कोई परमेश्वर है नहीं। और उनका बचपन का समय पर स्कूल में एक बार बाइबल बांटा गया था, हमारा भी स्कूल में वगैरह कभी कभी बाइबल बांटने के लिए छोटा किताब है, हमारे तो भी एक छोटा बाइबल हम देते हैं, वो गिडियंस इंटरनेशनल करके एक संस्था ने देते हैं। और काफ़ी दिन के बाद उनका मन में ऐसे दुख हो गया, उन्होंने बोला परमेश्वर है नहीं, नक्षत्र के बारे में तारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक दिन ऐसे बहुत दुखी के साथ वो चलने के समय उनका कबोर्ड का अंदर एक नया नियम पूरा एक नया नियम छोटा नया नियम मिला, उन्होंने सोचा एक बार पढ़ेंगे, हाल नया नियम था और एक बड़ा वाला किताब भी था, और क्योंकि एक गिडियंस इंटरनेशनल छोटा भी बेचते बड़ा भी बेचते, उन्होंने ऐसे बाइबल उठाया। बाइबल उठाने के बाद उत्पत्ति का किताब उन्होंने पढ़ लिया, पहले वचन क्या है उत्पत्ति का किताब पहले अध्याय पहले वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि ने सृष्टि की, हाल ये पढ़ने के बाद तुरंत उन्होंने बोल दिया हाँ मैं जानता हूँ कोई एक सृष्टिकर्ता जरूर होना चाहिए, वो सृष्टिकर्ता को इसी किताब में मैं मिल गई, हाल लिया। ऐसे करके आपने देख सकते हैं, हाल लिया उन्होंने बोल दिया आकाश और सृष्टि को रचने वाला एक परमेश्वर है, हाल लिया। तारागण के बारे में पढ़ने के लिए गया था, पढ़ के उनको पता चल गया था एक परमेश्वर है, हाल लिया। वो बाद में वो विश्वासी बन गए, हाल लिया। आज दिन का समय बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं गरीब लोग मसीह में आते, जिसके पास कुछ नहीं वो मसीह में आते। सीटी स्टार्ट करके कोई है आप में से, कोई अगर जानते हैं सीटी स्टार्ट के बारे में, कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते घर पर जाकर देखना। इंग्लैंड का एक क्रिकेटर था, उनको उनके घर पे 100 कमरा था। आप में से किसी के घर पे 100 कमरा वाला घर है क्या? हमारे घर पे कितने कमरा होते हैं, मैक्सिमम बोलो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमरे होते हैं, कितना होते हैं, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच, 100 कमरे वाला कोई घर आपने कभी देखा है? 100 कमरे वाला घर से सीटी स्टार्ट एक क्रिकेटर था, वो इंग्लैंड छोड़कर अफ्रीका में चले गया, जंगल में 100 कमरा का घर को छोड़कर अफ्रीका में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए। आप यू गूगल में सर्च कर सकते हैं सिटी स्टड्स, उनके घर पे 100 कमरा। अभी आप सब लोग बोलते हैं गरीब आके यीशु मसीह को जानते नहीं, और अफ्रीकन में आ गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ गया और सुसमाचार सुनाने के लिए शुरू किया, उनका द्वारा अनेक लोग मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया। ग्रहम स्टेट्स उनका मैंने सोचा था आज उनके बारे में फिल्म दिखाने के लिए, ग्रहम स्टेट्स करके, ग्रहम स्टेट्स के बारे में कितने लोग जानते हैं, आप में से कोई नहीं जानते। मैं बताना चाहता हूँ उड़ीसा में आज से 20 साल पहले एक मिशनरी, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रहम स्टेट्स को उनका 2 बच्चे लोगों को, कितने बच्चे, 3 बच्चे लोगों को, 3 बच्चे लोगों को जिंदा जलाया जीप में। उसका 20वीं एनिवर्सरी है, सालगिरह बोल सकते हैं ना, 20th एनिवर्सरी है, कल था। और उनके बारे में फिल्म बन रहे हैं, अप्रैल में वो रिलीज हो जाएगा 6 अलग अलग लैंग्वेज में, और उनके बारे में बहुत कुछ है। वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा सा रहने वाला, उनका पिता भारत में आ गया, कोड़ी लोगों के बीच में काम करने के लिए आया, भारत में आ गया कोड़ी लोगों को सेवा करने के लिए आया। और उधर का लोग क्या करते, मसीह विरोधी लोग दारा सिंह करके एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, उनको जीप में अपने देख सकते हैं। उनके बारे में फिल्म तैयार हो रहा है, काफ़ी सारा क्या बोलते उसका उसको आगे क्या बोलते टोल क्या बोलते उसका बारे में डॉक्यूमेंट्री काफ़ी सारे जिस यूट्यूब में मिल सकते हैं उनको, ट्रेलर उसका बारे में ट्रेलर इसमें यूट्यूब में मिल सकता है। और उनको उनका 3 बच्चों को क्या बोलते भूसा जीप में सो रहा था रात को, सेवा करने के लिए गया, कोड़ी लोगों को सेवा करने के लिए गया था, कोड़ी लोगों के बीच में सेवा कर रहा, अभी भी उड़ीसा में है उनका काफ़ी सारी चीज़ें। मेरे एक दोस्त पिछले दिनों में वहीं पर गया था, उन्होंने मुझे बताया था। और उस रात में रात का समय बाहर जीप का अंदर सो रहा था, भूसा उसको ऊपर से डालकर जिंदा जलाया। आपको पता है केस जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया, उनकी वाइफ ने क्या बोला था, मैं तो अम्मा जी को नींद आ रहे, अम्मा जी सो रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। हाँ अभी प्रार्थना नहीं करना, ध्यान सुनना। और जैसे क्या किया था, तुरंत उनका वाइफ ने बोल दिया मुझे इनका विरोध कोई कंप्लेंट नहीं है,
अभी यहाँ पर एक बार सोच के देखो, उनका पति और तीनों बच्चों को जिंदा जलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केस आने का समय, ग्लाडी स्टेन्स ने, कल भी मैंने वो पढ़ा था उनके बारे में, उन्होंने बोल दिया था यीशु मसीह ने हमें माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए सिखाया, और मैं इनके विरुद्ध कोई, हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसे करके कौन बोल दिया? इनका वाइफ ने बोल दिया। हालेलुया। अनेक लोग अपना, मदर थेरेसा जानते हैं, विदेशी था वो, कलकत्ता में आकर उधर का जो कोड़ी रंग बीच में सेवगाई करने के लिए आया। हालेलुया। अनेक लोग हालेलुया अपने अपना सब कुछ छोड़ कर अपने भारत देश में आया, अलग अलग जगह पर जाकर परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुना था। कल मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुन लिया था, बिहार में सेवगाई करने वाले डॉक्टर ए बी माथ्यू, केरला का है। उनका मैसेज मैंने रात को थोड़ा सा पढ़ने के समय, उन्होंने बोल दिया था उन्होंने एक डॉक्टरेट लेने के बाद केरला में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, और तुरंत उन्होंने विदेश में काम करने के समय परमेश्वर को बोल दिया तुम बिहार में जाओ। उनके बारे में मैंने कल बताया था। आज से 18-19 साल पहले बिहार में गया, कोई सड़क नहीं था, पूर्णिया में था। अब जानते हैं कोई पूर्णिया करके जगह, पूर्णिया, पूर्णिया का उसके बाद कटिहार, काफ़ी सारे जगह पर है बिहार में। जब जब जगह पर गया और कोई नहीं था सेवकाई करने वाला, और आज उन्होंने हजारों गांवों में जाकर सुसमाचार सुनाया। कोई अनपढ़ नहीं है डॉक्टर लेने को। उन्होंने एक बार बताया उधर का एक गाँव है, 2500 लोग है, तो कोई लैट्रिन नहीं है, टॉयलेट नहीं है। उन्होंने एक बार बताया रात के समय पर ऐसे ही लेटने के लिए देते हैं कई गाय को पालते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? गौशाला। हाँ गौशाला, हाँ मलयालम में भी गौशाला बोलते हैं। गौशाला का तो सोने देते घर नहीं है। मगर आज का समय में क्या हो गया, इस वजन को जब सुनाया लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगा। हालेलुया। जब सुसमाचार सुनाया, और पहले का बिहार नहीं अभी का बिहार, पहले 16-15 साल का पहले भी बिहार के बारे में कल भी बताया। ग्रेवयार्ड ऑफ मिनिस्ट्री, सुसमाचार का कब्रस्तान करके नाम जानते थे बिहार के बारे में। आज सब जगह पर बिहार में काफ़ी जगह पर सुसमाचार फैल गया। हालेलुया। आज दिन का समय बताना चाहता हूँ 6.5 लाखों में से, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, भारत में सुसमाचार आके कितना साल हो गया जानते हैं? भारत के अंदर सुसमाचार आने के बाद कितना साल हो गया पता? कुछ पता? यीशु मसीह का चेला भारत में आ गया था, तोमा कब आया था? आज नहीं, फर्स्ट सेंचुरी में आया था, पहले शताब्दी में आया। आज से 2000 साल, AD 52 में आया था, AD 52 में, और आज 2000 साल पूरा हो गया भारत में। अभी भी भारत में मसीह लोगों का संख्या 2.3। आप जानते हैं कोरिया में कितने 100 साल भी नहीं है, कोरिया में सुसमाचार फैल गया 100 साल भी नहीं है। उधर का 60-70% ज़्यादा लोग मसीह को जानते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है पता? आज बोलो कौन है जिम्मेदार? हम सब जिम्मेदार हैं, हम में जिम्मेदार है। यीशु मसीह का वचन 2000 साल पहले सुसमाचार फैल इधर आने के बाद भी भारत में अभी भी 2.3 2% मसीह के लोग है। कोरिया में 100 साल भी नहीं हुआ, उधर 70% 70% से ज़्यादा लोग मसीह में। कौन है जिम्मेदार? हम सब लोग हैं। इन दिनों में हम तैयार होना, हालेलुया, इन दिनों में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होना, हालेलुया। जितने लोग तैयार होने के लिए, हालेलुया, अपने मन में निर्णय लेते हैं, हालेलुया, एक वचन बोलकर समाप्त करना चाहता हूं, हालेलुया। हमारे जीवन में सक्सेस होने तो हम जाना जरूरी है, अगर हमें विजय प्राप्त करना है हम जाना जरूरी है। एक और वचन इसका साथ पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। न्याय का 6:14 तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? भेजने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। अगर हम क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। जाने के लिए तैयार है तो भेजने वाला परमेश्वर हर एक व्यवस्था करेंगे। हालेलुया। अपने अपने आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। आज दिन का समय जो कुछ चुनौती हमारे बीच में है, भेजने वाला हमारा परमेश्वर गिदोन को परमेश्वर इसी शक्ति से तुम जाओ। हालेलुया। आज दिन का समय जो वचन हम सुना, हालेलुया, इसी शक्ति से जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए कितने लोग तैयार है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज समर्पण करेंगे, हालेलुया, आज समर्पण करेंगे, हालेलुया। सब लोग अपने हाथों ऊपर उठाएंगे, हालेलुया, 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 समर्पण।